नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दूसरी लहर में सबसे कम मौतें, कोविड टीकाकरण में पुरुष आगे, शहर में दो मकानों में सेंधमारी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। दूसरी लहर में सबसे कम मौतें, कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप खत्म होने लगा है। इस लहर में रविवार को सबसे कम मौतें दर्ज की गई है। ग्रामीण में शून्य मौतें हुई जबकि शहर में केवल एक मौत दर्ज की गई है। जिले के बाहर की दो मौतें हुई, आज जिले में कुल तीन मौतें दर्ज की गई है जबकि 72 नए पॉजिटिव मिले। आज मिले संक्रमितों में शहर और ग्रामीण के 35-35 संक्रमित हैं जबकि दो जिलों के बाहर के हैं। अब तक नागपुर जिले में कुल 4,76,415 संक्रमित मिले और कुल 9,004 की मौत दर्ज की गई। आज कुल 9,043 नमूने जांचे गए, इनमें शहर के 6,834 और ग्रामीण के 2,209 नमूने हैं। आज कुल 0.80% नमूने पॉजिटिव आए। तो वही दूसरे और कोविड टीकाकरण में पुरुष आगे। अब तक 13,56,666 लोगों का हो गया टीकाकरण। जनवरी माह से शुरू टीकाकरण की गति पिछले दो माह से कम हो गई है। प्रतिदिन टीकाकरण 4,000 से कम हो गया है। फिर भी इस मामले में महिलाओं के पीछे होने की जानकारी मिली है। अब तक कुल 13,56,666 लोगों का टीकाकरण हो गया है। इसमें 5,67,884 पुरुष और 4,95,352 महिलाएं शामिल है। कोविड की गंभीरता से बचने के लिए फिलहाल टीकाकरण ही पर्याय है। नागपुर जिले में टीकाकरण के पहले चरण में हेल्थ वर्कर और दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण किया गया। तो वही तीसरे और शहर में दो मकानों में सेंधमारी। सेंधमारों ने दो मकानों से नकदी सहित 4,50,000 के गहने उड़ा लिए। अनमोल नगर वाटोड़ा निवासी दिलीप चिकड़े परिवार सहित शनिवार की दोपहर बाहर गए थे। उनके घर का ताला तोड़कर आरोपियों ने नकदी सहित 3,00,000 के गहने चुरा लिए गए। इसी तरह ठक्कर ग्राम पांच पावली निवासी गणेश डेकाटे परिवार सहित मामा के घर गए थे, उनके घर से 1,50,000 के गहने चुरा लिए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।